क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो देश में जन औषधि केंद्र की तरफ जनता का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इन केंद्रों पर सभी दवाइयां बहुत कम कीमत में उपलब्ध हैं। इस योजना से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये योजना गरीबों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हो चुकी है। इसी कड़ी में लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देवा रोड मटियारी में जन औषधि केंद्र में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस फ्री हेल्थ कैंप का उद्घाटन लखनऊ बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार यादव ने किया। आपको बता दें कि इस औषधि केंद्र के संचालक डॉक्टर आलोक कुमार और अमित कुमार यादव द्वारा राजधानी लखनऊ में 3 अलग अलग जगहों पर भी जनता के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। वहां पर भी समय समय पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन होता रहता है। इस हेल्थ चेकअप कैंप में डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर आलोक द्वारा लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप किया गया है। मैं आलोक कुमार, जन औषधि केंद्र संचालक एवं फार्मासिस्ट। जन औषधि परियोजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक दवाइयों की श्रृंखला है, जिसमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस परियोजना का उद्देश्य हर गरीब जो भी महंगी दवाइयां बाज़ार से नहीं ले सकते, उनके लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर गरीब का इलाज हो, कोई भी दवाई के अभाव में परेशान ना हो, बीमारी में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और मेरा उद्देश्य इस योजना से जुड़ने का ये रहा कि मैं अपने माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति जन जन तक पहुंचानी एवं सरकार की जो मंशा है, हर गरीब का इलाज हो, आयुष्मान हो भारत, स्वस्थ समाज हो। इस क्रम में सर्वप्रथम तो मैं इस योजना से लोगों की एक मदद कर पा रहा हूं और अपने माध्यम से हमारी टीम यहां पे मौजूद है, सभी का संयोग है, सभी का धन्यवाद है कि यह योजना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इस तरह मेरे अभी अलग अलग ज़िलों में मैंने 4 सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही सस्ती दरों पे दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। और इस तरह मेरा यह जो मेन मुख्य उद्देश्य मेरा रहा है कि मैं सेवा और रोज़गार दोनों प्राप्त कर रहा हूँ इस योजना से और लोगों की मदद कर पा रहा रावत है। और यहाँ पर जब कोई भी पेशेंट दवा लेने के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसकी एज पूछते हैं, क्या बीमारी है वो पूछते हैं, कितने दिन से है, उसके बाद हम उसे प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को। और दवाइयाँ जो हैं आपके यहाँ वो कितनी सस्ती और महंगी हैं मार्केट के अकॉर्डिंग? 85-90% है। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। तो मतलब भीड़ होती है आपके जन औषधि के? जी हाँ। और लोगों को फ़ायदा होता है यहाँ की दवा से? बिल्कुल फ़ायदा होता है, वो आते हैं और पूछते हैं हमसे कि ये दवा मिल जाएगी, देते हैं, हम उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है हमारी कि हर एक मेडिसिन उन्हें अवेलेबल हो कम दाम में। फरीदाबाद जन औषधि केंद्र का संचालक हूँ। जैसा कि हमने देखा है, लोगों को सस्ती दवाओं की ज़रूरत है, लोग वहाँ पर आते हैं, हम लोग फार्मूला के अनुसार उनको दवाएँ मुहैया कराते हैं। जो दवाएँ उनको बाहर 100 रुपये में मिलती थी, हमारे यहाँ 20-25 रुपये में उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ही फ़ायदा मिलता है और उनके धन में बचत होती है। मेरे मित्र हैं अमित यादव जी, जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चला रहे हैं। मैं भी प्राइवेट फार्मेसी चलाता हूँ, देखता हूँ कि जो सुविधाएँ प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई है, इतनी सस्ती दवा, इतनी अच्छी रिस्पांस, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम पैसे में लोगों को मदद कर रहे हैं और जो लोग दवा नहीं खरीद पा रहे महंगी दवाई, वो सस्ती सस्ती दवा यहाँ पर उपलब्ध है,
तो अच्छा रिस्पांस है, बढ़िया है। मैं द्रविड़ यादव, मैं यहाँ पे स्टाफ हूँ जन औषधि में। प्रधानमंत्री के तरफ से यहाँ जो सेंटर खोला गया है, गरीब की बहुत सपोर्ट हो रहा है इस सेंटर से, और कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो दवा की वजह से उसकी बीमारी या उसके बीमारी में कोई प्रॉब्लम आए। और यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र है बहुत जल्दी से ग्रोथ कर रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक जा रही है। हमारे लखनऊ में यहाँ 100 से ज़्यादा कई सेंटर खुले हैं, और अदर ज़िले में भी खुले हैं, प्रयागराज में भी खुले हैं, बनारस में भी खुले हैं, बहुत ज़्यादा सेंटर हैं यहाँ पे। और यहाँ मतलब कि दवा सस्ते से सस्ते मिलते हैं, 90% से 80% की दवा यहाँ छूट दी जाती है, सस्ती दी जाती है। हमारा नाम मोहित यादव है, और जन औषधि केंद्र पर बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। जैसे कि कोई पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उसको बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि जैसे दवा बाहर से आप ले रहे हैं, यहाँ पर आपको कम रेट में मिल जाएगी दवा, वही फॉर्मूले सेम फॉर्मूले की दवा आपको कम रेट में मिल जाएगी। इससे आपकी आपका पैसा भी बचेगा आपका, और जो है अदर दवा भी ले सकते हैं, और घर का खर्चा भी चल सकता है आपका। चलिए, हम लोग जो कभी के पेशेंट आते हैं जन औषधि केंद्र पे, उनको अकॉर्डिंग टू दवाई सारी दवाइयाँ उनको मिलती हैं, और बहुत से ऐसे जो दवाई नहीं पाते हैं फिर भी उनका मोबाइल नंबर डिटेल लिख के उनको फ़ोन करके बता कि आपकी दवाई आ गई है, तो वो अपना आके दवाई ले लेते हैं। और यहाँ पे बहुत से सेंटर खुले हुए हैं लखनऊ में, आपके 100 के आसपास सेंटर हो चुके हैं। जो भी कस्टमर है अच्छे से दवाई लेता है, अच्छे से बिहेव करता है, कोई किसी को कोई प्रकार की दिक्कत। जन औषधि केंद्र, मैं अमित कुमार यादव, फार्मासिस्ट, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालक। जो कि ये जब से मैंने सेंटर यहाँ पर डाला है, बहुत ऐसे ऐसे लोग आए, बहुत ऐसे गरीब लोग आए जो दवा के अभाव में दवा ही नहीं करा पा रहे थे। जब से ये सेंटर मैंने खोला यहाँ पे, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं कि जो दवाएं यहाँ ले जाने के बाद इतनी जो है समस्याओं से जूझ रहे थे कि बाहर की दवा एक दो दिन की ही खरीद पा रहे थे। जब से ये सेंटर खोले गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो जन औषधि केंद्र का शुभारम्भ किया है, तब से लोगों को दवा के अभाव में वो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही उनको, उनसे बहुत ही कम रेटों में, जैसे कि बाहर 100 रुपये की जो दवा है, यहाँ वो 10 रुपये की दवा है, वो आराम से खरीद पा रहे हैं, और उनका दवा के उससे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो दवा खा रहे हैं, स्वस्थ हैं एकदम। इसी तरह से काफ़ी प्रयास रहा हम लोगों का कि इसको और बढ़ाया जाए, तो हम लोगों ने कई सेंटर डाले हैं। असल में वो जो सब सारे सेंटर हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ही हैं, तो वहाँ लोगों को दवा से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दवाएं वो जो बाहर दवाएं जैसी होती हैं प्राइवेट वाली, वही दवाएं यहाँ भी आती हैं, वो सब दवाएं एकदम गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही अच्छे मानक पे बनाया है, और अच्छे रेट में दिए गरीबों को दवाएं दी जाती हैं। यही उद्देश्य है इसको चलाने का कि गरीब को दवा मिले और स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।